हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद गिट सिस्टर्स। ओके, देन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज को चैप्टर 5, दैट इज लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो भी एमसीक्यू है यहाँ पे, उसको हम सबको सॉल्व करेंगे और साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ आप इस तरीके से डिमोरलाइज मत होइए कि हिंदी में नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से हिंदी भी बताने वाली हूँ हर एक चीज़ों की। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए ताकि सारे सोल्यूशन आपको समझ में आए और कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन एमसीक्यूज। ओके, देन आप देख सकते हैं पेज नंबर ये है 71 में, बहुविकल्पीय प्रश्न और एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया हुआ है 4x + 3y = 7 एंड 7x - 3y = 4। दो इक्वेशंस है, तो क्या एक इसका निश्चित हल है, असंख्य हल है, कोई भी हल नहीं है, या कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि क्या एक निश्चित हल है, इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, असंख्य हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर कोई भी हल नहीं, नो सॉल्यूशन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं इसे कैसे करना है। ओके, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो मैंने पहले इसका रूल बता दिया था और आज मैं फिर से वो रूल्स बताने वाली हूँ। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी यहाँ पे इक्वेशन है ना, वो इस तरीके के फॉर्म में है, a1x1 + b1y1 = c1, ठीक है ना। a2 या फिर x1 y1 को हटा ही देते हैं, ठीक है, a2x + b2y = c2। इस तरीके की इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है, इक्वेशन को अब इस फॉर्म में मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू मतलब कि x का कोफिशियंट है a1, कोफिशियंट का मतलब गुणांक है, x का कोफिशियंट a1 है, तो यहाँ पे देखिए कि x का कोफिशियंट 4 है, यहाँ देखिए y का कोफिशियंट b1 है, यहाँ पे y का कोफिशियंट 3 है, यहाँ पे x का कोफिशियंट 7 है, और यहाँ उसी तरीके से यहाँ y का कोफिशियंट 3 है। तो मतलब a1 का जो वैल्यू हो गया, यहाँ से हमें क्या मिला, वैल्यू ऑफ बाई कंपेयरिंग दिस बाई, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई कंपेयरिंग वी गेट a1 = (a1) = 4, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर दिया, x का कोफिशियंट 4 है, y का कोफिशियंट यानी कि b1 क्या है, 3 है, b1 = 3। ओके, b1 = 3 एंड c1 = 7। सिमिलरली बाई कंपेयरिंग दिस कोफिशियंट ऑफ x इज a2, दैट इज a2 की जगह पे यहाँ पे 7 है, तो वैल्यू ऑफ a2 = 7 एंड b2 = -3 एंड c2 = 4। ओके, देन अब हमें क्या करना है, ये इसमें बैठा कर देखना है कि a1 / a2 कितना होता है, a1 / a2 = 4/7, b1 / b2 = 3/-3 एंड c1 / c2 = 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि a1 / a2 = 4/7 इज नॉट इक्वल्स टू b1 / b2 = 3/-3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 7/4 c1 / c2, ठीक है। जब ये दोनों ही कंपैरिजन कर लेते हैं ना कि a1 / a2 = b1 / b2, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल जाता है कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, जो ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर एक निश्चित हल है, एक ही हल यहाँ से हमें मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक निश्चित हल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओनली वन सॉल्यूशन और एक निश्चित हल, ठीक है। क्योंकि जब a1 / a2 नॉट इक्वल्स टू b1 / b2 हो जाता है, आप यहाँ देखो कि a1 / a2 नॉट इक्वल्स टू b1 / b2 आ गया, दैट मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। आप इसको अब यहाँ पे आपने सीख लिया कि इसको कैसे करना है। अब आप जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशंस मिलेंगे, आप तुरंत वहां से फाइंड कर सकते हो, बस यहाँ से देखना है a1 / a2 दैट इज 4/7 3/-3 नॉट इक्वल्स टू 3/-3, आप यहीं से तुरंत कैच करके बता सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इतना सारा कुछ करेंगे नहीं हम, डायरेक्टली वहाँ पे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर देख लेना ताकि इसी पे पूरा डिपेंड है कि आप आगे कैसे फर्दर सोल्यूशन को क्वेश्चन को बनाते हो। तो चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 3x + 6y = 15 एंड 6x + 12y = 13, ठीक है। एक बार मैं फिर से a1 x1 + a2 x b1 y एंड b2 y
इक्वल सी वन इक्वल सी टू, ये बस एक दिखा दे रही हूँ मैं जिससे आपको बताने में आसानी हो। ठीक है, आप यहाँ से कंपैरिजन करके ये बताओ कि ए वन और ए टू क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बाई कंपेयरिंग वी गेट 3/6 ए वन बाई ए टू। ओके, देन ए वन बाई ए टू इक्वल्स 3/6 दैट इज 1/2 एंड ऑल्सो बी वन बाई बी टू दैट इज बी वन बाई बी टू इक्वल्स 6/12 दैट इज कट करेंगे तो 1/2 एंड सी वन बाई सी टू इक्वल्स 15/13 दैट मीन्स 1/2। अब देखो कि ऑल दिस केसेस इन द ऑल दिस केसेस वी गेट द ए वन बाई ए टू इक्वल्स बी वन बाई बी टू दैट मीन्स वी गेट हेयर ए वन बाई ए टू इक्वल्स बी वन बाई बी टू इक्वल्स सी वन बाई सी टू। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद क्या मिल रहा है कि सारे जो मिल रहे हैं रेशियोज वो एक दूसरे के साथ इक्वल है। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है, जब सारे रेशियोज इक्वल हो जाता है ना, अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना ग्राफ पे, मैंने पहले भी बता रखा है, तो आपको एक ही लाइन मिलेगी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमारा, ऑप्शन नंबर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बी, बी नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और असंख्य समाधान, असंख्य समाधान और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 4x + 4y = 20 एंड 5x + 5y = 30। डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं ए वन बाई ए टू 4/5। ओके, ए वन बाई ए टू 4/5 ऑल्सो बी वन बाई बी टू, मैं यहाँ लिख दूँ ए वन बाई ए टू 4/5 बी वन बाई बी टू इक्वल्स 4/5 एंड सी वन बाई सी टू इक्वल्स 20/30 दैट मीन्स 2/3। अब आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू। ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है इसमें, नो सॉल्यूशंस में। सबसे पहले अगर आपको रूल लर्न होना, अगर रूल आपको याद है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी इसको सॉल्यूशन बनाए। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हो, लेकिन क्या होगा कि वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एमसीक्यू में एक वन मार्क्स का होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम क्यों लगा है? हमें स्मार्ट वर्क करना है, बस देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ऐसे देखकर भी पता चल जा रहा है, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। 4/5 = 4/5 = 2/3 दैट मीन्स नो सॉल्यूशंस। जब ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू होता है दैट मीन्स देर इज नो सॉल्यूशंस, मतलब कि कोई भी समाधान नहीं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है नो सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस समीकरण का हल 1.1,1 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर में ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ओनली हैव सॉल्यूशन 1,1। सॉल्यूशन मीन्स एक्स का वैल्यू 1,1 इज अ कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स 1 एंड वाई इक्वल्स 1। तो यहाँ पे किसका वैल्यू 1,1 दैट इज एक्स और वाई दोनों का वैल्यू 1,1 है, किस समीकरण को देख के हमें कैसे पता चलेगा। बहुत इजी रूल है इसका, जो अगर हमारे पास सॉल्यूशन है ना तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिफाई करेगा। ठीक है, तो सेटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई के जगह पे वाई पे। चलो पुट करते हैं, बहुत इजी है। टू में अगर वन यहाँ पे 2,1 करते हैं, 2 × 1, ठीक है ना, तो 2 × 1 + 3 × 1 करते हैं, क्या आता है, 2 × 1 = 2 और 3 × 1 = 3 × 2 = 5। 5 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 9, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9 है, 9 के इक्वल में आना चाहिए, तभी अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होता है तभी तो उसे इक्वेशन कहते हैं ना। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष में दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन कहलाता है। बट यहाँ पे इस सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 6 × 1 = 6 और यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 = 2 दैट मीन्स 6 + 2 = 7 विच इज नॉट इक्वल टू 9। इसका मतलब ये भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 3x + 2y = 5। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1 × 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2 दैट मीन्स 3 + 2 = 5। ये इक्वेशन 5 = 5 आ जा रहा है, मैं एक बार दिखा भी दूँ, 3 × 1 + 2 × 1 दैट मीन्स 3 + 2 = 5 विच इज इक्वल टू 5। मतलब कि 5 = 5 आ रहा है, इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सर्टिफाई करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसी इक्वेशन का सोल्यूशन 1.1 है, यानी कि सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 5 नंबर, 4x + 3y = 25 एंड 5x -
5x - 2y = 14 समीकरणों का हल है, मतलब इनका जो सोल्यूशन है वो दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सोल्यूशन इनका सोल्यूशन होगा, या तो आप ये जो सोल्यूशन है उसको इसमें डालकर सर्टिफाई करके देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली अगर आपको पता है कि इसको कैसे बनाना है तो आप इजली उसको बना भी सकते हो। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा सबका वैल्यूज अलग अलग से पुट करना, या फिर अगर इसमें आप फास्ट ये चीज ये ऑपरेशन आप फास्ट कर सकते हो तो आप इस तरीके से करो, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे मैं इसमें फोर वेज दिया हुआ है ना इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 4 और 5 वेज, तो किसी भी वेज को हम यूज करके बना सकते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट हम ये सर्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, पहले किस सर्टिफाई हो रहा है कि नहीं इक्वेशन के साथ, पहले उस रूल से करके देख लेते हैं। x = 4 है ना एंड y = 3, बी नंबर ऑप्शन में x = 3 एंड y = 4 एंड सी नंबर x = 3 एंड y = 3 एंड ऑल्सो डी नंबर इज x = 4 एंड y = -3। ये सारे सोल्यूशन दिए हुए, कोई एक सोल्यूशन को उसमें पुट करके देख सकते हैं कि ये इसको इक्वेशन को सर्टिफाई करता है कि नहीं। सर्टिफाई करने का मतलब x और y का वैल्यू इसमें हम पुट करना है। इस इक्वेशन को मैं पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 4 = 16 प्लस y का वैल्यू 3 पुट कर दिया तो 3 3 = 9, 16 + 9 = 25 विच इज सेटिस्फाई। ये 25 है यहाँ पे, ये सर्टिफाई कर दिया। अब y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 5 3 सॉरी x का वैल्यू 4 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, अब आते हैं x का वैल्यू 4 तो 5 4 = 20 माइनस y का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 3 2 = 6 -6, 20 - 6 कितना होता है 14 और यहाँ पे भी पहले से 14 है। इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन को ये जो सॉल्यूशन है वो सर्टिफाई करता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a इज द राइट आंसर। अब इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट यहाँ पे आपका सोल्यूशन पहले मिल गया तो आपने कर लिया, बट कभी कभी ये डी नंबर में भी दे देता है जिसमें सबको पुट करना बैठाने में काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर आप चाहो तो फटाफट बस एक ऑपरेशन से तो करने हैं, प्लस माइनस ही करना है, मल्टीप्लाई करना है, इजिली आप कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे तरीका कहूँ तो आप एलिमिनेशन मैथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4x + 3y = 25 है ना, और यहाँ पे 5x - 2y = 14 है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप कर दो 3 से, तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा और उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 4 8x + 6y = 50, ठीक है। यहाँ पे भी 5 था ना, 15x - 6y = 14 3 = 42। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बाई ऐड ही नहीं करना होता, ऐड कर देना है हमें, तो बस ये कट जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 + 8 = 23x और यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं तो 2 and 5 + 4 = 9 92, ठीक है ना। तो आपका 23x = 92, दैट इज x इक्वल्स कितना आ जाएगा 4, हाँ x इक्वल्स 4 आ रहा है इसको कट करने पे, ठीक है ना। डिवाइडेड 23 अगर हम करते हैं तो वैल्यू आ गया 4, ठीक है। उस तरीके से इस 4 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 4 4 = इसमें करते हैं पुट, तो 4 4 = 16 प्लस 4 ये तो 3y है, 3y = 25। अब ये 3y = 25 माइनस 16, ठीक है ना, 9 हो जाता है, 25 में से 16 गया 9, ठीक है, दिख रहा होगा 25 - 16 9, दैट इज y = 9/3, दैट इज 3। तो x का वैल्यू 3 और y का x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 3 इक्वेशन नंबर a, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप इस तरीके से या उस तरीके कैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा जल्दी टाइम आप लगाते हैं, जिसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको बना चुके हैं उसको ज़्यादा फॉलो कीजिए। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, x + y = 7, ये इसका सोल्यूशन इसमें से कौन सा होगा। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, या तो आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो या फिर आप डायरेक्टली इसको पुट करके देखो। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वैल्यूज है ना वो सारे निगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है ना तो ये सोल्यूशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पुट कर दे 1 and 6, ठीक है ना, 1 and -6 अगर पुट करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -6, तो यहाँ पे -5 आ जाता, जो कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हम -1 और 6 करते हैं तो x की जगह -1 पुट कर दिया और y की जगह 6 कर दिया तो भी आएगा 5 विच इज नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब हम करते हैं ये दोनों क्वेश्चन को, इसमें भी अगर 1 and 6 पुट करते हैं ना तो 1 + 6 = 7, ये सर्टिफाई कर देता है, ये और ये दोनों सेटिस्फाइड है। बट अब इस पे आते हैं कि ये दोनों को पुट करने पे क्या ये आता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें, 3 और -4, तो 3 - 4 कितना हो जाता है
थ्री माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस वन विच इज नॉट इक्वल्स टू सेवन, तो ये इक्वेशन भी नहीं होगा। लास्ट में हमारा बचता है 4.3, आप पुट करके देख सकते हो 4 प्लस 3 7, इसका मतलब ये इक्वेशन ही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी है। अब इस तरीके से आप उसको बार बार सॉल्व कर करके भी देख सकते हैं, पुट कर करके वैल्यूज को, तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू पूरा कंप्लीट होता है, 16 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे संक्षिप्त उत्तर वाले प्लस और वीएसए। पहले आप लोग एमसीक्यू का फायदा ले लीजिए, उसके बाद हम करेंगे वीएसए। तब तक के लिए प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहे। मैं बहुत कम वीडियोस आजकल अपलोड कर पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, बट जितना हो सके मैं अपना एफर्ट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना एफर्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। किसी को भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल का नाम दे सकते हो, वहाँ से वो देख सकता है। ओके, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।